तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, किसने बनाया था काफी टाइम पहले, एक 10 इंच का वूफर से एक काफी पावरफुल, काफी तगड़ा एक सबवूफर। और आज गाइस मैं इसको फाड़ने वाला हूँ, इसको तोड़ फोड़ के भाई साहब इसका अंजर पंजर ढीला कर दूंगा। और क्यों करूंगा भाई साहब, बस आपको क्या है बोला भाई साहब, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे ना इसीलिए मैं इसको फाड़ने वाला हूँ, क्या रीजन है सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ब्लॉग के अंदर बने रहो एंड बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए हेलो गाइस, तो फिर कैसे आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे एंड वेलकम आपका हमारे एक और ताजी फ्रेश ब्लॉग के। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है ना, हम कोई भी अगर चीज करते हैं उसको अगर फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ गलती वगैरह उसके अंदर जरूर होगी, ठीक है। बस उसी तरीके से मैंने जब यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम वूफर से सबवूफर बनाया था, ठीक है, वैसे कोई वूफर से सबवूफर बनाता नहीं है, सबवूफर की जैसी सही सबवूफर बनता है। बड़े गाइस आपके भाई ने जुगाड़ करके ना किसी तरीके से कटिंग वटिंग करा के लेथ मशीन से, तो यहाँ पे मैंने वूफर से सबवूफर किसी तरीके से बना दिया। यहाँ पे ना सिर्फ इसके अंदर कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पे इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम आने लग गई, जिस वजह से इसके अंदर हमें बेस काम आने लगा। तो क्या गलतियां मैंने इसके अंदर ऐसी की थी कि जो भी गाइस जो है ना हमें नहीं करनी चाहिए, अगर हम कोई भी स्पीकर वूफर सबवूफर वगैरह रिपेयर कर रहे हैं तो उससे आपका एक तो साउंड खराब हो जाएगा, ऊपर से गाइस जो ना यहाँ पे बेस काफी लो आएगा। अगर आप वूफर रिपेयर कर रहे हो, सबवूफर रिपेयर कर रहे हो, तो आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप जो ना स्पीकर वगैरह सबवूफर वगैरह रिपेयर करना सीख रहे हो, तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या वो गलती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको खोल लेता हूँ। यहाँ से खोलने के लिए ना काफी सारे स्क्रू वगैरह, तो यार इसको तो मैंने ऐसे ही लगा रखा था और मैं इसके अंदर यूज नहीं कर रहा था, इसके अंदर मैं इसको ना इसके अंदर लगा रखा था, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स छोटा है और ये बॉक्स बड़ा है, बड़े बॉक्स के अंदर थोड़ा सा बेस ज्यादा अच्छा आता है, तो ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लगा रखा था, ठीक है। चलो पहले एक बार निकाल लेता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा क्या इसके अंदर गलतियां करी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है इस डिब्बे से सबवूफर को निकाल लिया। अभी मैं आपको एक बार सबवूफर अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, इसका मैग्नेट बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का है, ऊपर से गाइस इसका चेसिस भी बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है ना ये वाली जो पड़ता है, ये वाला पड़ता है, ये भी बहुत तगड़ा लगाया था मैंने। बस सिर्फ इसके अंदर कुछ गलतियों की वजह से मेरे को इसको खोलना पड़ेगा, इसको फाड़ के भाई साहब तोड़ना पड़ेगा। काफी ज्यादा इसके ऊपर खर्चा भी आया था, लगभग ऐसा ना मेरा इसके ऊपर मान सकते हो 300 से 400 रुपए तक का इसको जो है सबवूफर को बनाने के अंदर खर्चा आया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना बताता हूँ यहाँ पे गलतियां क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गलती क्या थी, मेन गलती क्या थी। तो मेन गलती ये है ना, इसके अंदर जो मैंने स्पाइडर लगाया था ना, उसके ऊपर भाई साहब मैंने जो ना यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लू लगा दिया था, जिस वजह से भाई साहब ये इसका पर्दा काफी ज्यादा टाइट हो गया था, और इस वजह से भाई साहब वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा था। जब यहाँ पे ना लो फ्रीक्वेंसी आती थी, तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये पूरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जब लो फ्रीक्वेंसी आती है तो यहाँ पे पूरा एकदम ऊपर नीचे जो ना हमारा ये जो कोन है, कोयल है, ये सब कुछ ऊपर नीचे हिलता है। स्पाइडर के ऊपर जब मैंने ग्लू लगा दिया, देखो यहाँ पे अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसके अंदर ना मैंने फेविकॉल लगाया था, और फैब्रिक बॉन्ड के कारण यहाँ पे स्पाइडर जो है ना काफी टाइट होगा, जिस वजह से भाई साहब ये देखो भाई साहब, एक बार आप थोड़ा सा क्लोज से देखना, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, तो भाई साहब प्रेस करने में बहुत ही ज्यादा जान लग रही है, तो बेचारी कोयल क्या करेगी इसको ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा टाइट है, जबकि यहाँ पे इसको ऐसा होना चाहिए था कि जब मैं अगर हल्का सा भी प्रेस करूँ ना, तो ये ऊपर नीचे एकदम मक्खन की तरह हो, मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट ऊपर नीचे हो, तभी गाइस हाई डीप बेस आएगा और ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका जो पर्दा है वो टाइट रहेगा, मतलब जो स्पाइडर है वो टाइट रहेगा, तो आपको ज्यादा लाउड साउंड आएगा, ठीक है, ना कि यहाँ पे हाई और डीप बेस आएगा, आपको लाउड साउंड आएगा। अभी इसके अंदर मेरे को लाउड साउंड ही आ रहा था, बट गाइस मेरे को चाहिए था डीप बेस। और आपको पता होगा कि सबवूफर वगैरह ज्यादा डीप बेस के लिए यूज किए जाते हैं, एक एसपीएल होता है और एक एसक्यू सबवूफर होता है। यहाँ पे जो ना ये मैंने एसपीएल सबवूफर बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो ना एसक्यू रहता है वो साउंड क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, और मतलब उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का बेस आता है, धम धम नहीं करता। बट यहाँ पे जो हमारा एसपीएल सबवूफर होता है ना, वो यहाँ पे ज्यादा तगड़ी बेस के लिए जो है ना यूज किया जाता है, ताकि धम धम गाड़ी के अंदर ऐसा धम धम हो, ठीक है, फुल ऐसा तगड़ी बेस आए, तो तभी यहाँ पे ना तभी मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर एसपीएल सबवूफर यूज किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एसपीएल सबवूफर बनाने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे ना कुछ गलतियां रह गई, जिस वजह से थोड़ा सा साउंड बिगड़ गया इसका, ठीक है। अब उस गलतियों के कारण मेरे को इसको फाड़ना पड़ेगा, तभी गाइस ये अच्छा और साउंड देगा, दोबारा इसको बनाना पड़ेगा, तो नई कोयल डालनी पड़ेगी, नया स्पाइडर, नया पर्दा, सब कुछ वगैरह नया डालना पड़ेगा, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। और चलो फिर फटाफट से इसको फाड़ना चालू करते हैं। एक और गलती मैंने इसके अंदर की थी, वो गलती ये थी कि मैंने इसके अंदर ना जो ग्लू यूज किया था वो था
यहाँ पे फेविबॉन्ड, और यहाँ पे ना अगर आप फेविबॉन्ड को वूफर वगैरह स्पीकर वगैरह के अंदर लगाते हो तब तक ठीक रहता है, वूफर के अंदर भी अगर आप ना लगाओ ना तो ठीक रहेगा। स्पीकर वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर वगैरह ज्यादा बेस के लिए यूज नहीं किए जाते, और जो सब वूफर वूफर वगैरह वो ज्यादा बेस के लिए यूज किए जाते हैं। सब वूफर तो सबसे ज्यादा बेस के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ना मैंने इसके अंदर गलती से फेविबॉन्ड लगा दिया सस्ते के चक्कर के अंदर, जिस वजह से भाई साहब यहाँ पे इसका ग्लो जो है काफी कमजोर हो गया। जब भी भाई साहब इसको चलाता था तगड़े एम्पलीफायर के अंदर, कार के एम्पलीफायर के साथ, मैं आपको कार के एम्पलीफायर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे ना, ये बड़ा भाई साहब, तो ये रहा भाई साहब कार का एम्पलीफायर। तो जब भी मैं इसे चला रहा था ना भाई साहब, ये इसका साउंड बहुत जबरदस्त है, तो इस वजह से ये ना इसको एकदम फुल ऊपर नीचे हिला रहा था, और वो ग्लू कमजोर पड़ गई, जिस वजह से यहाँ पे ना वो ग्लू यहाँ पे उखड़ने लगी और वो ग्लू निकलने लगी, जिस वजह से यहाँ पे ना ये जो देखो यहाँ पे ये जो कोन है ना ये स्पाइडर से अलग होने लगा, तो इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे ग्लू गन लगा दी, ठीक है। और जब ग्लू गन लगा दी तो भाई साहब यहाँ पे सब ऊपर स्पाइडर और टाइट हो गया, तो ये बिल्कुल भी ऊपर नीचे हिलना, मतलब जो ना इसका ऊपर नीचे हिलना और भी ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको फाड़ रहा हूँ, नया बना रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट भी आ रहे थे भाई इसको दोबारा नया बनाओ। फाइनली भाई साहब मैंने इसको फाड़ दिया, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखो सभी तरफ से फाड़ दिया, और गए ना मैंने इसको फाड़ते का भी वीडियो बनाया था, बट गए ना वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई साहब, मैंने यहाँ पे ना गलती से बटन दबाना भूल गया, और जो है ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। क्या कर सकता भाई साहब, वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया, और बाद में भाई साहब देखा कि वीडियो तो चालू ही नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब, होता रहता है ऐसा। तो यहाँ पे ना फटाफट से पहले ये रबड़े वगैरह उतारते हैं, और मैं यहाँ पे आपको चीज़ बताऊँ, इसके अंदर जो कॉइल है ना वो 200 वाट की कॉइल लगी हुई थी, 8 ओम की, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की। अब यहाँ पे जब हम इसको नया ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे कॉइल भी नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉइल तो अभी अगर निकालेंगे तो टूट फूट जाएगी भाई साहब। यहाँ पे फाइनली भाई साहब काफी टाइम लगा, बहुत ही मेहनत लगी, क्योंकि भाई साहब सब कुछ एकदम ऐसा मजबूती से चिपका रखा था, बट गए थे ना यहाँ पे सब कुछ उजड़ गया भाई साहब, सब कुछ उखड़ गया, वेल डन, ठीक है। और मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये रही हमारी जो है ना कोन की साइड वाली पट्टी, और ये रहा हमारा चैसी वगैरह अंदर, देख तो कितना बड़ा यहाँ पे ना होल करवाया था ताकि इसके अंदर ना 4 लेयर कोयल आ सके, ये रही भाई साहब 4 लेयर कोयल, और यहाँ पे ना कुछ इस टाइप के है। मैं ट्राई करूँगा अगर ये ही निकल गई भाई साहब इसके अंदर से बिना टूटे फूटे बिना वायर टूटे, तो मैं यही यूज़ कर लूँगा, अगर नहीं निकली तो भाई साहब फिर हमें नई लानी पड़ेगी, क्योंकि निकालते वक्त कई बार या तो ये फिस जाती है भाई साहब, या तो भाई इसका वायर टूट जाता है, या फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए हर बार नई लगानी पड़ती है। मैं ट्राई करूँगा, ये अगर निकल गई तो ऐसी बात नहीं है कि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, अगर ये निकल गई तो यूज़ कर लूँगा, अगर नहीं निकली अच्छे से सही सलामत तो भाई साहब फिर हमें नई लानी पड़ेगी, नया इसका स्पाइडर और सब कुछ एकदम नया। अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सामान आपको पता है अभी अभी इसको फाड़ा है, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ नया खरीद के लाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से पहले भी इसका सामान मिला था, अब देखेंगे ट्राई करेंगे, अगर मिल गया तो जल्द मतलब जब मिलेगा तब मैं इसका सामान जो है ना मतलब इसका काम जो है वो चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इसका एक बार स्पाइडर दिखाता हूँ, यहाँ पे ना ये देखो स्पाइडर भाई साहब, स्पाइडर की टाइटनेस देखो भाई साहब, एक बार आप बहुत ही टाइट है देखो, इस वजह से भाई साहब यहाँ पे ही ऊपर नीचे अच्छे से नहीं हो रहा था, तो बहुत ही गड़बड़ कर रहा था। अब यहाँ पे जब हम इसको नेक्स्ट बार बनाएंगे ना, और यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस का ध्यान रखेंगे, मतलब आराम से ऊपर नीचे भाई साहब हमारा जो कोन है ना वो हो, एंड अच्छी बेस यहाँ पे क्रिएट करें। होप मजा आएगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्द इसका काम चालू करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।